गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अकाउंट एग्रीगेटेड सिस्टम की। हालांकि ये बात तो काफ़ी पुरानी है, 2016 में ये बात उठी थी अकाउंट एग्रीगेटेड नेटवर्क की, अकाउंट एग्रीगेटेड नेटवर्क, बट ये इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया था। और 10 सितंबर 2021 को वित्त मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन जारी किया, जिससे पब्लिक डोमेन में ये आया कि 4 बैंक ने अपने आप को ऑनबोर्ड कर लिया है ई सिस्टम पे, अकाउंट एग्रीगेटेड नेटवर्क पे, एंड 4 बैंक्स एट दैट टाइम वर इन पाइपलाइन। 4 बैंक पाइपलाइन में थे, उसमें से मात्र एक पब्लिक सेक्टर बैंक था, दैट वाज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आज हम इस बात को क्यों डिस्कस कर रहे हैं कि रिसेंटली एक मीटिंग हुई थी MD एंड CEO ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स टू रिव्यू द परफॉर्मेंस रिगार्डिंग BAHF, KCC एंड किसान क्रेडिट कार्ड। इसमें RRB का भी रिव्यू था, रीजनल रूरल बैंक्स। इस मीटिंग के बाद नेक्स्ट डे जो इकोनॉमिक न्यूज़पेपर्स हैं उन्होंने ये पब्लिश किया that the by July end all public sector banks should onboard to account aggregator system, account aggregator network। वित्त मंत्रालय का ये निर्देश है कि जुलाई एंड तक सभी पब्लिक सेक्टर बैंक अपने आप को अकाउंट एग्रीगेटर सिस्टम पे अपने आप को ऑनबोर्ड कर लें। अभी हम देख रहे होंगे कि द वे ऑफ लिविंग में काफ़ी परिवर्तन आ रहा है और एवरी स्फीयर ऑफ लाइफ में लगातार चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन वो इंडस्ट्री जो पल पल चेंज हो रही है, जिसमें हर वक्त कुछ नया हो रहा है, वो है बैंकिंग इंडस्ट्री। बैंकिंग इंडस्ट्री में लगातार नए चेंजेस हो रहे हैं और लगातार नए इनोवेशंस इससे जुड़ते जा रहे हैं, तो उसके बारे में हम देखेंगे कि ये जो नया टर्म इवॉल्व होके आया है अकाउंट एग्रीगेटेड सिस्टम, अकाउंट एग्रीगेटेड नेटवर्क, ये है क्या, बैंकों द्वारा बहुत सारे स्टेप लिए गए हैं जो कि कस्टमर सेंट्रिक हैं, उन्हीं में से एक है अकाउंट एग्रीगेटर सिस्टम। अकाउंट एग्रीगेटर सिस्टम में क्या होगा, जो भी आपके फाइनेंशियल डाटा हैं, AA एक टाइप का फाइनेंशियल इंटरमीडियरी होगा, उसके पास आपके सारे फाइनेंस के इंफॉर्मेशन होंगे, सारे संबंधी जानकारियाँ होंगी, जैसे बैंक आपके कौन से बैंक में अकाउंट हैं, किस टाइप के अकाउंट हैं, सेविंग अकाउंट है, करेंट अकाउंट है, CC है, OD है, LC है, BG है, FD है, MOD है, इस टाइप की जानकारी होगी रिलेटेड टू बैंकिंग। उसके बाद म्यूचुअल फंड, इसके बारे में जानकारी होगी, आपने SIP में कितना लगा रखा है, कौन से SIP में लगा रखा है, इंश्योरेंस, आपका कार का इंश्योरेंस है, टर्म प्लान है, हेल्थ इंश्योरेंस है, ये डिफरेंट इंश्योरेंस कंपनी के पास है, वो डाटा होगा इनके पास, किसके पास, फाइनेंशियल इंटरमीडियरी, जिन्हें हम बोलेंगे अकाउंट एग्रीगेटर। शेयर्स की डिटेल होंगे, आपका डीमैट अकाउंट होगा, आपके ट्रेडिंग रिलेटेड इंफॉर्मेशन होंगे। जैसे आप किसी बैंक में लोन लेने के लिए गए, वहाँ पे आपसे ये जानकारी मांगेंगे कि आप जो है हमें अकाउंट स्टेटमेंट दे दीजिए, अपने नेटवर्क प्रूफ करने के लिए कॉपी ऑफ इंश्योरेंस दे दीजिए,
कॉपी ऑफ म्यूचुअल फंड लेजर फोलियो उसका। आपके पास एक ऑप्शन है, आप संबंधित ऑर्गेनाइजेशन की साइट पे जाएंगे, वहाँ से डाउनलोड करेंगे और वो पीडीएफ आप बैंक में प्रोवाइड करेंगे। उसमें भी जेन्युइननेस पता करना थ्रू पीडीएफ इज वेरी डिफिकल्ट और वो डेट इज टाइम टेकिंग एज वेल। इंश्योरेंस कंपनी है, आप फिर इंश्योरेंस कंपनी के पोर्टल पे जाएंगे, उसमें उसका प्रीमियम रिसीट निकालेंगे, फिर वो बैंक को देंगे आप। सो इट इज इट्स अ कंबरसम जॉब। इसमें क्या होगा, ये बैंकिंग, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस और शेयर, ये जो अलग अलग जगह पे ये डाटा है आपका, ये क्या है, आपके कंसेंट से ये फाइनेंशियल इंटरमीडियरी में चला जाएगा और डायरेक्ट ये बैंक को मिल जाएगा। इसमें आपके इनकम टैक्स, जीएसटी वगैरह के भी इंफॉर्मेशन होंगे। अभी जो है बैंक्स इनकम टैक्स रिटर्न वेरीफाई करते हैं, काफ़ी टाइम ये देखा गया है कि जो कस्टमर्स हैं वो इनकम टैक्स और जीएसटी के पासवर्ड जो है बैंक एम्प्लॉई से शेयर करते हैं। इससे क्या होता है, दे आर कॉम्प्रोमाइजिंग देयर पर्सनल सिक्योरिटी। इन सब चीज़ों से निजात मिल जाएगा। जैसे एक ही जगह पे आपकी बैंकिंग इन्फॉर्मेशन आ गई, म्यूचुअल फंड का इन्फॉर्मेशन आ गया, इंश्योरेंस का इन्फॉर्मेशन आ गया, शेयर्स आ गए, इनकम टैक्स रिटर्न, जीएसटी, ये डायरेक्ट बैंक जो है फाइनेंशियल इंटरमीडियरी से डायरेक्ट ले लेंगे। इसमें कस्टमर कंसेंट काफ़ी ज़रूरी है, कस्टमर कंसेंट का होना कंपल्सरी, उसके बाद ही ये डाटा शेयर किया जाएगा, कितने टाइम के लिए शेयर किया जाएगा, ये सभी जानकारी जो है कस्टमर को होगी। कस्टमर को ये फ़ायदा होगा कि जो उनके इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अलग अलग जगह थे, वो खुद एक जगह होने पे वो समझ पाएंगे अपना सेविंग पैटर्न, इन्वेस्टमेंट पैटर्न, और अगर उन्हें कुछ बोरो करना है तो वो उससे अपना आकलन कर सकते हैं। बैंकों को ये फ़ायदा हुआ कि वो डायरेक्ट सभी इंफॉर्मेशन एक ही जगह से ले लेंगे। ये जो इंफॉर्मेशन होगा, जो फाइनेंशियल डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूशन से फाइनेंशियल इंटरमीडियरी के पास जाएगा और फाइनेंशियल इंटरमीडियरी से बैंक के पास जाएगा, ये टोटली इनक्रिप्टेड होगा, एंड टू एंड इनक्रिप्टेड होगा। फाइनेंशियल इंटरमीडियरी जिन्हें हम अकाउंट एग्रीगेटर्स कहेंगे, इनके पास इंफॉर्मेशन तो आएगा बट ये क्या इंफॉर्मेशन है इसकी जानकारी इन्हें नहीं होगी, ये बैंक को जानकारी होगी। ये इस इंस्टीट्यूशन, जैसे बैंक म्यूचुअल फंड का है, म्यूचुअल फंड से संबंधित ऑर्गेनाइजेशन है, इनकम टैक्स पोर्टल है, जीएसटी है, ये पता होगा कि ये क्या इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं और डायरेक्ट जिसको शेयर कर रहे हैं वो एंड टू एंड एनक्रिप्टेड होगा। बीच में ये केवल डाटा सेव करेंगे, ये उस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जिन्हें जिनसे डाटा शेयर किया जाएगा, वो आपका पर्सनल प्रोफाइल बनाएंगे और उसे शेयर करेंगे। इट इज़ नॉट लाइक दैट, इट इज एंड टू एंड एनक्रिप्टेड, डाटा प्राइवेसी का पूरा ध्यान रखा गया है, नो डाटा ब्रीच, इसमें कोई भी डाटा ब्रीच नहीं होगा आपका। ये डायरेक्ट यहाँ से आएगा, यहाँ पे इट इज जस्ट लाइक इंटरमीडिएटरी एंड इट विल बी ट्रांसफर टू रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट। जहाँ से ये ज़्यादातर दो चीज होगा, इससे इंडिविजुअल लेवल पे आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर सकते हैं और दूसरा जो है बैंक्स के लेंडिंग प्रोसेस में ये काफ़ी हेल्पफुल होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि बैंक्स लगातार डिजिटल लेंडिंग की तरफ ध्यान दे रहे हैं, अगर ये अकाउंट एग्रीगेटर सिस्टम फुल्ली इंप्लीमेंट हो जाता है, डेट विल बी अ लैंडमार्क।
और ये बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा और सारी इन्फॉर्मेशन एक ही जगह पे आ जाएगी, तो कस्टमर्स को भी परेशानी नहीं होगी और बैंक को भी लोन प्रोसेस करने में ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी। अभी क्या होता है कि आप बैंक जाते हैं, आपने इनकम टैक्स भी भर रखा है, आपने जीएसटी रिटर्न भी भर रखा है, आपने इंश्योरेंस भी ले रखा है, आपका अलग अलग बैंकों में एफडी वगैरह भी है, लेकिन जब आपसे ये मांगा जाएगा इट विल बी टीडियस जॉब। यू विल थिंक इट इज़ अ टीडियस जॉब टू गेट ऑल दिस डॉक्यूमेंट्स एंड गेट इट सेल्फ अटेस्टेड एंड देन सबमिट इट टू द बैंक, बिकॉज दिस इंफॉर्मेशन आर विद डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस। और आपके पास दो ही ऑप्शन है, या तो आप उस ऑर्गेनाइजेशन को विजिट करें या उस साइट को विजिट करें, फिर डाउनलोड करें और फिर बैंक को दें, या पर्सनली विजिट करें, उसका प्रिंट आउट लें वहां से और फिर बैंक को दें। तो ये है, ये काफी सहूलियत हो जाएगी इसमें कस्टमर्स को भी और लेंडर्स को भी और दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को भी जहाँ पे ये इनकी शेयरिंग जरूरत होगी। जैसा 10 सितंबर 2021 ये जो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो द्वारा जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था, उसमें एफएक्यू के अंदर ये भी है कि वेदर डबल ए अकाउंट एग्रीगेटर विल बी चार्जेबल और नॉट, इट विल डिपेंड ऑन ए, बट योर डाटा इज फुल्ली सेफ, फुल्ली सेफ। लेट्स सी व्हेन इट इज इम्प्लीमेंटेड इन द बैंकिंग सिस्टम, कब ये पूरी तरह इम्प्लीमेंट होता है। हालांकि रिसेंट मीटिंग के अनुसार वित्त मंत्री ने ये निर्देश दिया है पब्लिक सेक्टर बैंक्स को कि 31 जुलाई तक ऑन बोर्ड कर लेना है सभी पब्लिक सेक्टर बैंक्स को इस अकाउंट एग्रीगेटर नेटवर्क पे। ये हो जाता है, उसके बाद ये कैसे इंप्लीमेंट होगा, कैसे काम करेगा, ये इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन तो उसके बाद ही पता चल पाएगा। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड अबाउट अकाउंट एग्रीगेटर सिस्टम। इफ एनी अपडेट कम्स वी विल अगेन मीट। Okay, thank you.